नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। 12 अक्टूबर 2022 आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आई होप दोस्तों कि यह हम कंटिन्यू रखेंगे और मध्य प्रदेश करंट अफेयर के लिए आपको इससे बेहतर कंटेंट कहीं भी नहीं मिलने वाला है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आप वीडियो को पूरी देखिएगा और फिर बताइएगा कमेंट करके कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। तो आज 12 अक्टूबर 2022 को जो भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड घटनाक्रम है उनको आज हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऐसा राज्य जो आप मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाएगा दोस्तों। तो आपके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है दोस्तों हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। और जी हाँ, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मेडिकल के प्रथम वर्ष का हिंदी माध्यम की पुस्तकों का शुभारंभ हिंदी को स्थापित करने और आत्मविश्वास पैदा करने का कार्यक्रम है। यह मेडिकल का नहीं भाषा का एक कार्यक्रम है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ कर एक नए युग की शुरुआत करेंगे। दोस्तों क्या हुआ है, 16 अक्टूबर को लाल परेड ग्राउंड मैदान भोपाल में दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, ये आप इमेज में देखिए, ये अमित शाह जी है, ये मेडिकल की पढ़ाई से रिलेटेड किताबों को लॉन्च करेंगे। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, और ये हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, और ये चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग। इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों आप, चिकित्सा शिक्षा मंत्री का। आइए और देख लेते हैं कार्यक्रम को। विश्व का अद्भुत एवं अनुकर कार्यक्रम बनाने के लिए सक्रियता से कार्य करें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान ने कार्यालय में आज 16 अक्टूबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हिंदी माध्यम से मेडिकल पाठ्यक्रम के शुभारंभ की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे, जिसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस, अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। दोस्तों तो यह इम्पोर्टेंट खबर है दोस्तों कि मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में होगी और ऐसा करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश होगा, और इससे संबंधित जो भी किताबें हैं वह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी लॉन्च करेंगे 16 अक्टूबर को भोपाल से। और यहां से दो नाम और हमें सुनने को आते हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी है और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस जी है। तो यह इतनी खबरें हमें यहाँ से पढ़नी है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। आइए अगली खबर की तरफ पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में संबल 2.0 योजना के अंतर्गत 15,948 श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में 345,59,00,000 रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित किए हैं? तो दोस्तों आपको जिले का नाम बताना है कि संबल योजना के तहत 345,59,00,000 रुपए एक सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खाते में, जो 15,948 श्रमिक परिवार है उनके खाते में मुख्यमंत्री जी ने अंतरित किए हैं। तो आपको जिले का नाम बताना है दोस्तों, भोपाल, रायसेन, उज्जैन, इंदौर, ये आपके ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों रायसेन से। ये देखिए, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि व्यवस्था को मजबूत रखने के साथ ही नशे सहित सभी तरह की अवैध कारोबारों को ध्वस्त किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने रायसेन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में संबल 2.0 योजना के अंतर्गत 15,948 श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में 345,59,00,000 रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे जब उन्होंने ये बात कही। अद्भुत योजना है संबल, श्रमिकों के जीवन के लिए वरदान बनकर आई है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का। संबल 2.0 योजना और मध्य प्रदेश भवन व अन्य सम्मान कर्मकार कल्याण मंडल की अनुग्रह सहायता योजना के तहत प्रदेश के 15,958 लोगों के खातों में 345,59,00,000 रुपए स्थानांतरित किए, ताकि उन सब भाई बहनों को जिनकी पटरी पर चल सके, था मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है। संबल योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों में बेटे बेटियों की पढ़ाई हम फ्री करवाएंगे, उनकी फीस माता पिता द्वारा नहीं बल्कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा भरी जाएगी, ऐसा कहना है शिवराज सिंह चौहान ने। श्रमिकों के बच्चे के लिए हमने 4 विद्यालय खोले हैं जहाँ बच्चों का रहना खाना पीना फीस फ्री है, ताकि गरीब बच्चे पढ़ लिखे और अपने सपनों को साकार कर सके। दोस्तों संबल योजना से संबंधित यह कार्यक्रम था। संबल योजना का आप
ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है। और यह जो कार्यक्रम हुआ है रायसेन जिले में भी फिलहाल हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से रविंद्र भवन में डिक्की द्वारा एससी एसटी मेगा बिजनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो का आयोजन हुआ। डिक्की का पूर्ण रूप क्या है? तो डिक्की द्वारा एसटीएससी मेगा बिजनेस कॉन्क्लेव दोस्तों इसका आयोजन हुआ है। डिक्की का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये न्यूज में आया है अभी। डिक्की तो इसका फुल फॉर्म बताना है आपके ऑप्शन है दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिजिटल इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या डर्व इंडिकेशन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यह इसका पूर्ण रूप है डिक्की का। दोस्तों आइए इसकी डिटेल, इससे रिलेटेड डिटेल क्या है वो देख लेते हैं। तो वन मंत्री कुंवर विजय शाह पहला नाम हमें यहाँ से मिला, मंत्रालय संबंधित। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश शुक्लेजा और उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने वही स्वर मिल की भगवान बिरसा मुंडा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चित्र के पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित किया। दोस्तों यह सब भगवान बिरसा मुंडा भीमराव अंबेडकर एससी एसटी संबंधित है इसलिए इनके कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित किया गया। दीप प्रज्वलित कर इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिक्की के मेगा एससी एसटी बिजनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो के प्रथम सत्र का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से रविंद्र भवन में डिक्की द्वारा एससी एसटी मेगा बिजनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 4 सत्रों में देश भर में आए ख्यात उद्यमियों ने अपनी सफलता के अनुभव साझा किए। दोस्तों मध्य प्रदेश के रविंद्र भवन में इसका आयोजन हुआ है। डिक्की एक संस्था है दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन जो एस टी एस सी से रिलेटेड हैं उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। आइए देखते हैं, इससे एक कटआउट है कि एस टी एस सी बिजनेस एनक्लेव एंड एक्सपो देश के प्रख्यात एस टी एस सी निवेशकों उद्यमियों का सम्मेलन। दोस्तों मुख्य अतिथि थे शिवराज सिंह चौहान जी और विशेष अतिथि फग्गन सिंह कुलस्ते जी है जो केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री, ये भी एस टी एस सी से संबंधित है। और डिक्की के अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है दोस्तों, संस्थापक अध्यक्ष है पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कामले, तो यह भी इनका नाम आप याद रखिएगा। तो और भी नाम है दोस्तों मंत्रालय संबंधित राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव अपन नाम पढ़ी चुके हैं, औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन मंत्री है तुलसी सिलावट मंत्री है, जल संसाधन के प्रभुराम चौधरी है, स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण विभाग मंत्री ओम प्रकाश सुक्रीचा, एमएसएमई विभाग और सुमित्रा वाल्मीकि जी है जो राज्यसभा सांसद है, और पद्मश्री रवि कुमार नागर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए ये नाम दोनों दोस्तों संस्थापक अध्यक्ष है मिलिंद कामले और राष्ट्रीय अध्यक्ष है डिक्की के रवि कुमार नर्रा। तो यह दोस्तों है आप इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एस टी एस सी बिजनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो का आयोजन भोपाल में हुआ है रविंद्र भवन में और डिक्की द्वारा इसे आयोजित किया गया है डिक्की के सहयोग से। डिक्की का फुल फॉर्म है दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। और आपको इतनी चीजें यहाँ से याद रखनी, मैंने जो जो मंत्रियों का नाम बताए हैं वो भी आप याद रखिएगा। 12 अक्टूबर 2022 को ये कार्यक्रम आज हो चुका है तो इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आज का, थोड़ा सा मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था संबंधित है परंतु आज से इसका कनेक्शन है, वो भी आप सोच रहे होंगे कि ये तो इतिहास या मध्य प्रदेश की पॉलिटी से क्वेश्चन है परंतु इसका आज से संबंध है। निम्नलिखित से कौन मुख्यमंत्री ना होने के बावजूद सदन की नेता थी या थे, आपको नाम बताना है कौन ऐसे मुख्यमंत्री नहीं था परंतु उसके बावजूद सदन का नेता रहा है, ये आपको बताना। तो गोविंद नारायण सिंह, उमा भारती जी, राजमाता विजय राजे सिंधिया या अजय सिंह। मैंने आपको क्वेश्चन को एक बार और समझिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री तो नहीं थे वो परंतु सदन के नेता थे। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, जो मुख्यमंत्री रहता है वही सदन का नेता रहता है, परंतु एक केस हुआ था ऐसा जिसमें राजमाते विजय राजे सिंधिया जी मुख्यमंत्री नहीं थी फिर भी वह सदन की नेता थी और मुख्यमंत्री थे उस समय गोविंद नारायण सिंह। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री में भी आया है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों आज मैं ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछ रहा हूँ उसके रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ।
कि आज है राजमाता विजय राजे सिंधिया और राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि। विजय राजे सिंधिया जी की जयंती है और राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि। तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इन पे फोटो पर माल्यार्पण किया है। वो खबर पढ़ लेते हैं अपन कि श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजमाता विजय राजे सिंधिया जी की जयंती पर मुख्यमंत्री निवास सभा कक्ष में उनके चित्र पर पुष्प माला चढ़ाकर नमन किया और राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। उन्होंने राजमाता और डॉक्टर लोहिया के योगदान को भी स्मरण किया। आप इमेज देख सकते हैं, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राम मनोहर लोहिया जी की इमेज है और यह है राजमाता विजय राजे सिंधिया जी। इनकी राजमाता सिंधिया राजे की जयंती, जो जयंती और पुण्यतिथि में ये डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। वह जयंती जन्म दिवस को बोला जाता है और जिस दिन मृत्यु होती है उसे पुण्यतिथि बोला जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या है। जन सेवा त्याग समर्पण सादगी की प्रतिमूर्ति थी राजमाता विजय राजे सिंधिया। इनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन शिवराज सिंह चौहान ने स्टेटमेंट दिया है और महान स्वतंत्रता सेनानी प्रखर चिंतक और ओजस्वी वक्ता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। उनका डाक टिकट भी देखिए उनके राम मनोहर लोहिया जी के स्मृति में जारी किया गया था। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि एमपीपीएससी प्री में हाल ही में 2021 में इस प्रकार का क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं। तो इसका सही जवाब था दोस्तों गोविंद नारायण सिंह। गोविंद नारायण सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे परंतु सदन की नेता थी विजया राजे सिंधिया जी। और ये इस प्रकार क्वेश्चन से आपसे पूछा गया था कि कौन से मुख्यमंत्री सदन के नेता नहीं रहे। मैंने आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया था यहाँ पे कि मुख्यमंत्री ना होने के बावजूद सदन की नेता थी, तो सदन की नेता कौन थी? विजया राजे सिंधिया जी। और ये ऐसा एक ही केस में हमने देखने को मिलता है। और चौथी विधानसभा थी दोस्तों उस समय और गोविंद नारायण सिंह जी का कार्यकाल था 30/7/1969 से 12/3/1969 तक। 2 साल इनका कार्यकाल चला था दोस्तों। ऐसा जो उस समय की स्टोरी थी कि राजमाता विजय राजे सिंधिया जी ने कुछ अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों से बदला लेने के लिए उस समय सरकार इधर से उधर कर दी थी और गोविंद नारायण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया था। और गोविंद नारायण सिंह जी भी 2 साल में हष्ट पुष्ट हो गए थे और फिर नरेश चंद्र शर्मा जी को बलि का बकरा बना के उन्हें पहले दलित आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, जो सिर्फ 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। और वो उस समय की राजनीतिक स्थिति थी दोस्तों। तो हमें ये याद रखना है गोविंद नारायण सिंह ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सदन के नेता नहीं रहे। ये अभी हाल ही में एमपीपीसी प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। और विजय राजे सिंधिया जी उस समय सदन की नेता थी। तो ये ऐसा एक ही बार हुआ है अभी तक दोस्तों मध्य प्रदेश में, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो गया है, इसलिए मैंने ये चीज आप सबसे डिस्कस की है। थोड़ी सी डिटेल दोस्तों, अल्पसंख्यक मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जितने भी करंट अफेयर इंपोर्टेंट आज से बन सकते थे मैंने आपसे डिस्कस किया, इस योजना के बारे में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2013 को हुई थी। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा विद्या शिक्षार्थी आदि है योजना के पात्र हितग्राही। दोस्तों पेस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं वरिष्ठ नागरिक या शिक्षार्थी वो इस योजना के हितग्राही हो सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2013 को। आइए दोस्तों आपको एक जाते जाते मैं क्वेश्चन दे देता हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत मध्य प्रदेश का शहर इंदौर कितनी बार रह चुका है देश का नंबर 1 साफ साफ शहर। दोस्तों अब भी हाल ही में दोस्तों यह न्यूज में था कि क्रिकेट से रिलेटेड एक टर्म है इंदौर ने वह लगाया है। तो आपसे याद रखना है, बताना है कौन सा है, कितनी बार इंदौर साफ स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त कर चुका है। ये आपके लिए क्वेश्चंस में छोड़ के जा रहा हूँ दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, हमारा कंटेंट आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।